हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ सिंह अपने यूट्यूब चैनल कार देखो रे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और बात करूंगा आज जिस गाड़ी के बारे में। वो इंडिया में आते ही तहलका मचा दिए, एक तरह से कह सकते धूम मचा दी है। लोग इसकी पूरी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं हर तरीके से, चाहे यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो। तो मैं आज उस गाड़ी का आपको रूबरू कराता हूँ। वो है गाड़ी स्कोडा कुशाक, जो कि पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, एक एक पार्ट्स की जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो पहले सबसे पहले फ्रंट लुक पे आपका आता है स्कोडा की जो स्टाइलिश बेजिंग है, आपकी जो स्टाइलिश लोगो है इसको कह सकते हैं, एरोडायनेमिक में आपका। और ये आपका जो स्कोडा की जो फ्रंट ग्रिल है आपका क्रोम फिनिशिंग में पूरी तरीके से, जो इनका पुराना चले आ रहा है सेम वही फंक्शन इसमें भी है आपका। और फिर बात करेंगे आपका फ्रंट जो हेडलाइट्स है आपका प्रोजेक्टर DRL LED के साथ है आपका ये आपका। और फिर नीचे आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, यहाँ पर ये आपका टर्न इंडिकेटर्स ये दिया गया है, और एक डमी में आपको एयर विंड्स के लिए दिया गया, पर इसमें भी आपको क्रोम फिनिशिंग में दिया गया। और नीचे आपका एक सपोर्टेबल आपको अच्छा खासा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया जा रहा है आपको। ये आपका जो कुशाक, इसका जो एक संस्कृत वर्ड है कह सकता हूं। और ये आपका ग्रिल जो इसमें नीचे लोअर ग्रिल है, ये भी काफी स्टाइलिश और हनीकॉम्ब में आपको दिखा रहा है। और फिर नीचे आपका एक इस साइड आ जाइए आप, तो यहां भी आपको देख रह सकते। बात करेंगे इसका लोअर बम्पर जो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी का दिया गया, हार्ड प्लास्टिक भी है इसमें। और फिर साइड प्रोफाइल इसका आ जाइए इस साइड, तो आप देख सकते हैं स्कोडा की जो ये साइड प्रोफाइल है काफ़ी ज़्यादा बिल्ड, और जो कहा जा सकता है जैसे स्कोडा अपनी बिल्ड क्वालिटी के बारे में जानी जाती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसके साइड प्रोफाइल में आपका। जो टायर की मैं बात करूँ तो इसमें R17 inches के टायर दिए गए हैं, 205/55 R17। तो ये आपका टायर का साइज है इसमें। और जो इसका अलॉय व्हील्स की बात करेंगे तो काफ़ी हनी पैक में आपका डिज़ाइन दिया गया, अच्छा लग रहा है, लुक भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बीच में स्कोडा की लोगो भी दिया गया है, और साइड में देख सकते हैं स्कोडा की बेजिंग आपको यहाँ पर ही प्रोवाइड किया जा रहा है। और इस साइड फिर मैं आपको यहाँ पे आइए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ORVM मिरर में आपको साइड इंडिकेटर्स भी प्रोवाइड किया जा रहा, और काफ़ी हेवी भी है, काफ़ी बड़ी लुक भी है इसमें, तो एक तरह से इसमें अच्छी भी है। और मैं इस साइड में इस साइड आएंगे तो विंडो में आपको क्रोम फिनिशिंग, जो कि ये टॉप मॉडल पे आपको अच्छी तरीके से, ये स्कोडा एक तरफ मैं बता दूं जितनी भी इनकी गाड़ियां हैं उसमें क्रोम का विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि इंडिया में लोग ये देखते हैं कि मेरे को गाड़ी फुल टू फंटास्टिक और जहां तक हो सके चमचमाती गाड़ी हो। तो स्कोडा ने इसको ध्यान रखते हुए हर एक जगह पर आपको क्रोम फिनिशिंग में दिया गया है, देख सकते हैं हैंडल में भी यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग में दिया गया है। और बात करते हैं इसका नीचे का, तो इसमें भी देख सकते हैं इनकी जो हेवी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, इनकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और साइड में आ जाइए, इस साइड में बात करूँ तो आपको यहाँ पे आपको देख सकते हैं पीछे आपका जो टेल लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी और हेवी लुक दे रही है आपको। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं साइड इंडिकेटर्स में आपका येलो कलर के साइड इंडिकेटर्स दिए गए हैं, और साथ में टेल लाइट्स भी आपको ये आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिफ्लेक्टर आपको जो यहाँ पे दिया जा रहा है साथ में, और यहाँ पे आपको कुशाक की बेजिंग दी गई है। अब फिर से मैं कहूँगा कि क्रोम का विशेष ध्यान रखा गया है स्कोडा में, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको टेल गेट पे भी क्रोम की पूरी लाइनिंग आपको दी गई है, जो काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड कर रही है। साथ में जो ये स्कोडा की जो क्रोम फिनिशिंग में है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और यहाँ रियर में आपकी बात करूँ तो आपका ये जो बिल्ड क्वालिटी है काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। ग्राउंड क्लियरेंस की भी बात करूँ तो मैं रियर से भी काफ़ी हद तक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो इसका यहाँ पे आपको पार्किंग सेंसर भी दिया जा रहा है, 1, 2, 3 ये पार्किंग सेंसर आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं बात करूँ इसका ऊपर में तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं डिफॉगर दिया गया है रियर विंडशील्ड ग्लास पे आपका। और फिर ऊपर की बात करूँ तो साइड में आपको शार्क फिल एंटीना दिया गया है, वाइट और ब्लैक कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक है आपका रूफ रेल, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक दे रही है इस गाड़ी को, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक प्रोवाइड कर रही है, स्पोर्टी लुक दे रही है, एक अच्छा सा लुक। एक आपको वाइपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है रियर में, और एक स्पॉइलर में जहाँ तक इसमें रेड स्ट्रिप की आपको लाइनिंग और रेड लाइट के साथ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है, जो ये काफ़ी यूनिक है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी है। और साथ में ये देख सकते हैं आपका इसका जो रियर प्रोफाइल है काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और हेवी दिख रही है। तो इसका इस साइड की प्रोफाइल के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ही पहले फ्यूल कैप आ रहा है, और इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें आपको
सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल ही वर्जन दिया गया है, डीजल की वेरिएंट नहीं है इसमें आपका। यहाँ पे आप देख सकते हैं 66 लीटर का आपको पेट्रोल कैपेसिटी दिया जा रहा है। और आपको यहाँ साइड में आपको बात करूँ तो इसमें इस साइड भी आपको देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक प्रोवाइड, इसमें भी देख सकते हैं आपको यहाँ पर आपको पूरी यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक ड्राइविंग गेट तक आपको पूरा क्रोम फिनिशिंग में की गई है। और यहाँ पर आपको एक जो ORBM का जो सेटअप है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और प्रोवाइड की जा रही है, जितना हो सके स्टाइलिश लुक दिया जा रहा है। इंडिया में इंडिया के मार्केट को देखते हुए स्कोडा ने अच्छा मैन्युफैक्चरिंग किया है, जहाँ तक हो सके आप पूरी वीडियो इसको देखिएगा तो अभी और भी डिटेल दूंगा आपको। तो चलिए आइए चलते हैं गाड़ी के अंदर, इंटीरियर के बारे में जो आपको पूरी डिटेल दूंगा, क्योंकि इसका अब तक बाहर से सब कुछ देख लेता है पर इंटीरियर जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूनिक होता है, जिसके बारे में सब जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बात करता हूँ इंटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले ये गेट के बारे में जान लें आपको, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ऊपर आपको हार्ड प्लास्टिक फाइबर दिया जा रहा है आपको, और यहाँ पे एक देख रहे हैं ग्रैब हैंडल जो आपको ये डोर अनलॉक करने के लिए आपको दिया है, क्रोम फिनिशिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर आप बात करेंगे तो ORBM का कंट्रोलिंग दिया गया है, यहाँ पर पावर विंडो की कंट्रोलिंग दी गई है, यहाँ चाइल्ड लॉक की दी गई है कंट्रोलिंग। और फिर बात करेंगे यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल जो काफ़ी ज़्यादा हेवी और बोल्ड दिखता है, जो कि स्कोडा की आपकी पहचान है, मैन्युफैक्चरिंग है। और यहाँ पे एक बोतल स्टोरेज करने के लिए आपको दिया गया, और यहाँ पे आप देख रहे हैं गेट पे आपको स्पीकर्स भी दिए जा रहे हैं आपको, और नीचे की क्वालिटी भी देख रहे हैं आप पूरी तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा बिल्ड है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो स्कोडा की पहचान होती है वो होती है ऐसे। आइए अंदर अब चलते हैं, इस गाड़ी के बारे में पूरी डिटेल आपको देता हूं। तो चलिए इंटीरियर की बात करता हूं। सबसे पहले आपको इंटीरियर में देख सकते हैं स्टाइलिश जो आपको दिया गया स्कोडा की बेजिंग के साथ, आपको स्कोडा की लोगों के साथ यहां पर ही आपको स्टेयरिंग में, और स्टेयरिंग जो पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। इसमें आपको लेदर फिनिशिंग में आपको कवर भी दिया गया है। और यहाँ पे आपको देख रहे हैं ये आपका जो है MID कंट्रोलर है, ये आपका एवेंटी कंट्रोलर है आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है आपका AC के विंड्स जो कि पियानो ब्लैक फिनिश, और आपको इसमें आपको क्रोम की भी डिज़ाइन हल्की सी दी गई है जो काफ़ी यूनिक दिखा रहा है, स्टाइलिश भी दे रही है आपको। और बात करते हैं यहाँ पर पुश स्टार्ट बटन ऑन ऑफ लॉक करने के लिए, यहाँ पे आपको ये आपका स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अंदर, ये देख सकते हैं इसकी ओपनिंग जो होती है यहाँ पे, मैं दिखा दूँ आपको। तो इस तरीके से स्कोडा की लोगों के साथ आपको ये MID ऑन होता है आपका। और फिर मैं बात करता हूँ इस प्रोफाइल में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक और अच्छा स्टाइलिश एक तरह से कह सकते। एक चीज़ मैं बता दूं, स्टेयरिंग में आपको हर गाड़ी में जो भी होता है कि आपको वाइपर की कंट्रोलिंग यहाँ पे दी जाती है, लेकिन स्कोडा कुशाक में आपको ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको क्रूज कंट्रोलिंग की सिस्टम दिया गया है, यहाँ पे आपको इस साइड जो आपका राइट हैंड साइड होता है वहाँ पे आपको वाइपर की कंट्रोलिंग यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको प्लस माइनस स्टोरिंग व्हील्स भी दी गई है आपको, जो इसका हेडलाइट्स कंट्रोलिंग दिया गया है यहाँ पे आपको दिया गया, ये आपका हेडलाइट्स कंट्रोलिंग यहाँ से आप कर सकते हैं ना कि यहाँ से आपको। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको ऊपर नीचे इंडिकेटर्स को कर सकते हैं, इससे आपको हेडलाइट्स की जो बीम होती है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से। तो बात करते हैं इसका स्टीयरिंग से, आपको यहाँ तक मैंने आपको जानकारी दे दी। अब बात करते हैं इसका 10 इंचेस का जो डिस्प्ले है आपका, काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश है, जो स्कोडा ने खुद से मैन्युफैक्चरिंग किया है इसका। और जहाँ तक इसमें आप देख सकते हैं वाईफाई की भी फैसिलिटी दी गई है, आप वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट टच है आपका, इसमें म्यूज़िक सिस्टम भी आपको यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। और फिर आपको बता दूँ इसमें आपका ऑटो एंड्रॉयड सिस्टम भी है आपको यहाँ पे, एप्पल कार प्ले भी आपको इसमें मिलेगा आपको। और मैं बात करता हूँ इसका होम पेज का, तो ये इस तरह से आपको रेडियो वगैरह, नेविगेशन वगैरह, एंड्रॉयड ऑटो, कार प्ले वगैरह सारा चीज़ आपको इसमें मिलेगा। और फिर मैं जो नीचे बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिशिंग में ये पूरा कॉम्बो यहाँ तक गया है, जो कि स्कोडा की बेजिंग यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया है। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रोम फिनिश भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है, और ये चीज़ आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है, देखने में भी स्टाइल लगती है आपको। और मैं बात करता हूँ यहाँ साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पे एक ट्यूटर दिया गया, और इसमें साथ में आपको स्कोडा साउंड जो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। और ज़्यादा ये आपका इसका फाइबर की मैं बात करूँ तो फाइबर भी इसकी काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक काफ़ी ज़्यादा बिल्ड में आती है। फिर ऊपर बात करूँ तो यहाँ पे आपको IRVM भी दिया जा रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी है, नॉर्मल है, अच्छी है लेकिन। और फिर ऊपर बात करूँ यहाँ पे आपको LED दिए गए हैं आपको, यहाँ पे आपको वन टच आपको लॉक अनलॉक लाइट्स के लिए दिए गए हैं, यहाँ पे आपको यहाँ से सनरूफ कंट्रोलिंग लॉक
और ऑन कर सकते हैं यहाँ से आप अपने सनरूफ को, तो ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका लॉक हो रहा, ये आपका अनलॉक हो रहा। फिर मैं बात करूँगा आपका नीचे आते हैं, आपका एवेंटी के नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसी के इवेंट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। इसमें भी आप देख रहे हैं साइड में आपको क्रोम फिनिशिंग दिया गया है और पियानो ब्लैक में भी आपको कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। और फिर नीचे यहाँ पर ही सारे टच आपको एसी कंट्रोलिंग सिस्टम यहाँ पर सारे टच दिए गए हैं। और बात करता हूँ इस बटन के, तो यहाँ से आप अपने सीट वेंटिलेटिंग का यूज़ कर सकते हैं जो कि सीट में आपको एयर फ्यू आपको देगा, आपको पीछे से ठंडक बनाए रखेगा, अगर हॉट चाहते तो गर्म हवा देगा, अगर कूलिंग चाहते तो ठंडी हवा देगा आपको। यहाँ से पूरी आपको वन टच आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नीचे मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपको सी केबल यूज़ कर सकते हैं आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का आपको चार्जिंग केबल के लिए आपको स्पेस दिया गया है। और फिर नीचे बात करूंगा तो यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस दिया गया है, मोबाइल या अपना की वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं, स्पेस दिया गया है। यहाँ पे आपको कप होल्डर्स यहाँ दिए जा रहे हैं और साथ में आपको यहाँ देख रहे हैं हैंड ब्रेक में भी आपको यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग में दिया गया है। मतलब एक तरह से स्कोडा ने हर जगह एक पूरी तरीके से क्रोम प्रोवाइड किया गया है जो काफ़ी अच्छा लुक देता है। और मैं बात करूंगा इसमें तो आपको गियर शिफ्टिंग में भी काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, जिसे पकड़ने में काफ़ी स्मूथ और स्टाइलिश लगती है। एक अंदर से फीलिंग होता है कि मैं किसी हेवी गाड़ी और काफ़ी अच्छी गाड़ी में बैठा हूं, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा मैं बात करूंगा इसका जो हैंड रेस्ट है बीच में इसकी लेदर फिनिशिंग के बारे में, तो यहाँ पे देख रहे काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस चीज़ को देखने में। जो स्टेपिंग इसमें की गई है लेदर में वो ज़्यादा यूनिक दे रहा है, सबको प्रोवाइड भी करता है ये चीज़। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्पेस के बारे में, तो यहाँ पे आपको स्पेस भी देख रहे हैं बहुत ज़्यादा स्पेस दिया गया, डीपली दिया गया है जिसमें आराम से स्टोरेज कर सकते हैं। और फिर मैं बात करता हूँ इसका जो सीट प्रोफाइल है, सीट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हेडरेस्ट भी दिया गया है आपको इसमें, और सीट के स्टाइलिश जो लेदर फिनिशिंग में आपको दिया गया है काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है इसमें। और ये बता दूं मैं आपको, इसमें एक जो छोटे छोटे होल्स आप देख रहे हैं ये आपको एयर प्रोवाइड करता है जो आपकी कूलिंग और हॉट को आपको मेंटेन रखता है। जहाँ तक मैं बात करूँ ड्राइविंग सीट पर बैठने का, तो ये काफ़ी ज़्यादा आराम से है, ज़्यादा ऊपर इसका हेडरूम भी आपको अच्छा प्रोवाइड मिल रहा है आपको, देख सकते हैं ये डिस्टेंस आपका। और ज़्यादा मुझे जहाँ बैठने में लग रहा है कि जहाँ तक मैं बैठा हूँ कोई मेरे को ऑफ फील नहीं हो रहा। मैं नहीं सोचता हूँ कि इसको अगर चलाते हैं तो किसी को भी रोड में या कोई भी रोड हो, कैसा भी रोड हो, तो उसमें आपको ऑफ फील हो या कुछ ऐसा वैसा लगे, वैसा कुछ नहीं होने वाला है, नॉर्मल एक अच्छी तरीके से फीलिंग आ रही है। तो बात करते हैं इसके रियर सीट के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट पे भी आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल दिया गया है गेट अनलॉक करने के लिए। ये आपको यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोलिंग यहाँ पे भी दी गई है, और ये आपका जो है हैंडल दिया गया है यहाँ पर, आपको 1 लीटर का बूट ये बॉटल्स भी स्पेस दिया गया है। यहाँ पे भी देख रहे हैं सॉफ्ट टच आपको यहाँ पे है, ये फाइबर में है, आपको ये भी फाइबर में दिया जा रहा है। यहाँ पे एक स्पीकर जो यहाँ पर स्कोडा का स्पीकर इस गेट पे भी प्रोवाइड किया जा रहा है, चारों गेट पे आपको स्पीकर प्रोवाइड है। अब बात करते हैं इसकी जो बैठने की कैपेसिटी है, आपका जो भी बैठने का जो तरीका होता है, आपको स्पेस देखते हैं मोस्टली यही देखते हैं कि कंफर्टेबल है या नहीं है रियर स्पेस। तो मैं देख सकता हूँ आप किस तरीके से मैं बैठा हूँ, नी स्पेस भी काफ़ी ज़्यादा मेरा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा दे रही है आपको, हेडरूम भी आपको काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा स्पेस दे रहा है आपको। और मैं बात करूँ इस साइड में भी आपको यहाँ पर ड्राइवर सीट के पीछे अपना आराम से कुछ फाइल्स वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे मोबाइल होल्डर छोटा सा दिया गया है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं आपको ये आपका रियर में भी एसी, जो कि इंडिया में मार्केट में काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है इंडिया में, तो उस हिसाब से मार्केट को देखते हुए कंपनी ने आपको यहाँ पे रियर एसी विंड्स दिए गए हैं। नीचे सी टाइप केबल चार्जिंग प्रोटेक्ट किया गया है, यहाँ पे आपको सी केबल में है। और साथ में अब बात करूँगा पीछे जो आपको हैंडल्स दिया गया है, यहाँ 2 कप होल्डर है, नॉर्मल अच्छा स्पेस है कि यहाँ पे 3 लोग तो बेसिकली आराम से ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी पेन के साथ, बिना किसी दर्द के साथ, तो वो चीज़ देख सकते हैं। और तो बात करते हैं इसके रियर बूट्स में, तो आप देख सकते हैं इसमें
रियर बूट्स में भी काफ़ी 365 लीटर का आपको बूट स्पेस इसमें प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपके बूट स्पेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ 3 kg का आपको यहाँ पर ही हैंगल्स दिया गया है, और इसमें आप देख सकते हैं इस साइड आपको बूट लाइट दिया गया है, छोटा सा लैंप दिया गया है जो आपको विजिबिलिटी दिखाता है आपको अंदर की सीट्स वगैरह पे। और स्पेस की मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, जो कि इसमें मैं बता दूँ आपको, एक तरह से मैं दिखा दूँ इसमें बैठ के कि आराम से मैं बैठ सकता हूँ मोस्टली। और जहाँ तक हो सके आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं बाहर निकल गई आज मैं मरी जाऊंगा भगवान बचाओ मेरी। काफी कंफर्टेबल महसूस हो रहा मुझे। और मैं बात करूं अब इसका जो मेन इम्पोर्टेंट होता है ग्रैप हैंडल्स के थ्रू इसको नीचे बन गया ये चीज़, ये जो हैंडल दी गई है काफ़ी ज़्यादा यूनिक। अगर किसी का हाइट छोटा है तो वो मोस्टली यहाँ तक नहीं आना पड़ेगा, उसको यहाँ से पकड़ के अपना आराम से ऐसे बंद कर दिए। और यहाँ मैं एक चीज़ और बता दूँ कि स्कोडा में जो आपको स्पीकर्स में जो कहा गया एम्पलीफायर कहाँ पे है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि स्कोडा में एम्पलीफायर कहाँ पे, तो मैं बता दूँ यहाँ जो स्पेयर व्हील्स आप देख रहे हैं इसके बीच में ये जो स्पेस है ना, यहाँ पे आपको स्कोडा ने एम्पलीफायर प्रोवाइड किया गया है। बाकी में नॉर्मल स्पीकर्स है आपका, तो ये जो एम्पलीफायर है आपको यहाँ पे एम्पलीफायर दिया गया है। तो आइए चलते हैं इंजन के बारे में। तो इंजन में बता दूं आपको, ये जो इसमें स्कोडा कुशाक में इंजन है ये 1.0 लीटर का इंजन है, ड्यूल टर्बो इंजन है ये आपको प्रोवाइड कर रही है। और यहाँ तक मैं बता दूं कंपनी ने इसमें जहाँ तक हो सके कि 18 से 20 तक का माइलेज ये आपको निकालेगी। और मैं एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ आपको कि ये 10 सेकेंड में आपको 100 की स्पीड प्रोवाइड करेगी। और जहाँ तक मैं कहूँ तो स्कोडा अपने पुराने से भी आप देख सकते हैं, जहाँ तक की जितनी पुरानी गाड़ियाँ हैं वो इंजन के मामले में हो चाहे बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी ज़्यादा यूनिक और सबसे ज़्यादा अलग है। तो ठीक है, अब तक मैंने आपको कार का पूरी डिटेल अच्छे तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ और पूरी तरीके से बताया हूँ। और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जितना हो सके मैं आपको अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूँगा। और जहाँ तक कार की बात करूँ तो जितने नए वेरिएंट कार आएंगे सारे वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको दूंगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो आप मिस कर देंगे। तो जितना जल्दी हो सके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। और एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये आज मैं स्कोडा कुशाक की जानकारी आपको दे रहा हूं, वो मैं आपको एक पर्सन है जो उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, हमारे मिस्टर देवेंद्र सर, जो इस स्कोडा कुशाक स्कोडा जो ये डीलरशिप है उनके जीएम है। तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और एक पर्सन है जो हमारे दुबे जी कह सकते हैं ये बैठे हुए हैं, तो इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा क्योंकि यहाँ तक लाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। तो इनके लिए मैं इनको धन्यवाद करता हूँ अपने वीडियो में। तो आपको भी मैं तहे दिल से थैंक यू थम्स अप, और जहाँ तक कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊँ। थैंक यू।